मुंबई में मन्नत इंतजार कर रहा है। शाहरुख टकटकी लगाए हुए हैं। गौरी खान को बेटे का बेसब्री से इंतजार है। ड्रग्स केस में बेटा आर्यन जेल में है। मुंबई सेशन कोर्ट ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत बुधवार को खारिज कर दी थी। अब तो आज उम्मीदें बॉम्बे हाई कोर्ट पर आकर टिक गई हैं। हाई कोर्ट में जमानत याचिका को सूचीबद्ध भी कर लिया गया है। इसकी संख्या 57 रखी गई है, यानी ड्रग्स मामले में आर्यन की जमानत पर सुनवाई 57 नंबर पर होगी। आर्यन के वकील ने जमानत के लिए पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन एनसीबी नहीं चाहती कि ड्रग्स केस में आर्यन को बेल मिले, लिहाजा हाई कोर्ट में एनसीबी जमानत का फिर विरोध करेगी। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने आर्यन को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो मुंबई के आर्थर जेल में बंद हैं। आर्यन के साथ उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट की जमानत पर भी आज सुनवाई है। हाई कोर्ट में अरबाज की जमानत याचिका का क्रमांक 64 पर सूचीबद्ध है। अरबाज के पिता असलम की माने तो दोनों बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। नींद नहीं आती है, इस माहौल में जिंदगी में कोई सोचा भी नहीं था, तो उसके हिसाब से मम्मी को भी मिला, मम्मी को भी मिलके बहुत रोया। रोने के हिसाब से थोड़ी पैदा हुआ है, ये चीज है कानून के ऐसा होना चाहिए जिसके हिसाब से सबके लिए फेयर होना चाहिए। बट एज ऑफ दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज सब जुडिस, ज्यादा कह नहीं सकता, बट बहुत निराशजनक है। 3 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर हर गुजरते दिन शाहरुख खान के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं। आज 26 अक्टूबर का दिन उम्मीदों का दिन है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या शाहरुख की मन्नत आज पूरी होगी। मुस्तफा शेख, सौरभ वक्तानिया, अरविंद ओझा और दिवेश सिंह के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक।